हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। रुबीना द लाइट ने मास्टरमाइंड को दी है कुछ टिप्स। विकास गुप्ता की बात कर रहे हैं हम, हालांकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको मास्टरमाइंड के नाम से ही जानते हैं। रुबीना ने क्या टिप्स दी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है विकास गुप्ता को घर में आने के बाद? पर रुबीना को कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड के दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो इसके बारे में जरा सा भी एक्चुअली में पता नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट क्या है और रुबीना ने क्या टिप्स दी है मास्टरमाइंड को। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस वक्त नए आए हैं तो जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मास्टरमाइंड जो है वो किचन एरिया में खड़े होते हैं और वहां पर एक्चुअली में डाइनिंग पे बैठे होते हैं। तो रुबीना होती है वहां पर और रुबीना को बोलते हैं कि मुझे बाहर नहीं, यहां पर जब मैं आता हूं तब मुझे भूख सुबह सुबह बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। तो वहां पर रुबीना दलाइट जो है वो ये कहती हुई नजर आती है कि हाँ, हम बाहर रहते हैं, काम में रहते, बिजी रहते, शेड्यूल रहता है, हमारे पास टाइम वाइम रहता है, हम उसके अकॉर्डिंगली खाते हैं, तो जो बॉडी है वो एकदम परफेक्ट रहती है। यहां पर काफी ज्यादा बोर हो जाता है और कुछ लोगों को बोरियत में खाना खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए बार बार भूख लगती है। तो तुम ऐसा करो कि सुबह उठ के पपाया खा लिया करो। तो पपाया में एक्चुअली में शुगर भी होता है और ये प्रोटीन भी रहता है जो कि तुम्हें शाम तक काफी ज्यादा फुलफिल रखेगा। उस दौरान ही वहां पर जो मास्टरमाइंड विकास गुप्ता है वो ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि पपाया काफी ज्यादा हीट करता है। तो रुबीना बोलती है कि तुम एप्पल खा लो। तो यहां पर रुबीना जी को एक्चुअली में नहीं पता कि मास्टरमाइंड राशन जो है वो बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले ही बाहर से सलमान खान जी से चैलेंज लेके आई है। रुबीना को जल्द से जल्द ये चीज समझनी चाहिए और राशन खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में पूरा घर चलाती है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस वक्त इसके ऊपर रुबीना दलाई को, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।